वायु गमन प्रक्रिया साधना है, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे शरीर को लिए हुए कुछ ही सेकंडों में जा सकते हैं, हजारों मील की यात्रा करके वापस लौट सकते हैं, उसको वायु गमन प्रक्रिया साधना कही गई है। यद्यपि यह पेचीदा और कठिन साधना है, जो केवल गुरु के सानिध्य में ही इसको संपन्न किया जा सकता है, इसमें नित्य रात्रि को 1000 माला मंत्र जाप करने का विधान है। 1000 माला वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1,00,000 मंत्र जाप करना है, मगर यदि जो आप निश्चय कर लेता है वह 24 घंटों में इस माला या इस मंत्र को संपन्न करता ही है, इसके लिए साधक 14 दिन तक इस साधना को संपन्न करे, किसी भी पंचमी या पूर्णिमा से इस साधना को प्रारंभ करे, सामने एक अखंड घी का दीप प्रज्वलित करे और गुरु चित्र को गुरु यंत्र को स्थापित करे, साथ ही साथ वायु गमन प्रक्रिया यंत्र को भी स्थापित करे। इसमें वायु शुद्धि माला की अनिवार्यता होती है, जिसके माध्यम से मंत्र जाप किया जाता है। इसमें खड़े खड़े मंत्र जाप होना चाहिए और इसका मंत्र है सोहम, केवल 2 क्षणों का ये मंत्र है और ये दोनों ही अपने आप में अक्षर अद्वितीय हैं, क्योंकि जितने भी लामा हैं, जितने भी पुजारी हैं, योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे 2400 घंटे सोहम मंत्र का जप करते रहते हैं। सोहम 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 निरंतर मंत्र जप करने की प्रक्रिया से उनके शरीर में एक विशिष्ट कांति, विशिष्ट तेज, विशिष्ट चैतन्यता प्राप्त होती रहती है। इसलिए यह मंत्र एक प्रकार से तिब्बतियों का गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे असंभव कार्यों को भी संभव करने की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इस प्रकार की साधना संपन्न करनी चाहिए और इस साधना के द्वारा यदि साधक चाहे तो जीवन में सफलता पा सकता है, मगर इसके लिए ये जरूरी है कि वह स्वयं उपस्थित गुरु के सामने हो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, गुरु से मंत्र प्राप्त करे और उसके बाद ही साधना में प्रवृत्त।